आज आपको हम कुकीज बताने जा रहे हैं। तो हम मैंने पहले लिख चुकी हूँ, ये हमारा 28 साइज है, जिसकी लंबाई ब्लाउज की लंबाई कंप्लीट होके हमारा 11 रहना चाहिए और हाथ की लंबाई 3.5 होना चाहिए और मोहरी हमारा 4.5 है। तो हम 80 सेंटीमीटर कपड़े पे बना रहे हैं, तो इसमें हम 32 साइज का भी 80 सेंटीमीटर कपड़े पे हम निकाल सकते हैं। तो हमारा बंद भाग हमेशा हम लेफ्ट साइड लेंगे, इस प्रकार हम लेंगे, खुला भाग हमारा इधर रहेगा और बंद भाग हमारा लेफ्ट साइड रहेगा। तो हमारा मोहरी हमारा 28 साइज है, तो हम 4 से हम 28 को भाग देते हैं तो हमारा 7 होता है। तो हम पहले लंबाई लेंगे, हाथ की लंबाई हमारा 3.5 है तो हम 1.5 प्लस करेंगे, 1 इंच नीचे फोल्ड करके हेमिंग के लिए और 1/2 इंच ऊपर सिलाई होगा। तो 3.5 है तो हम 5 लंबाई ले लेंगे और 28 का है तो हम 28 को 4 से हम भाग करते हैं तो हमारा 7 होता है। 7 पे हम निशान डाल देंगे। फिर हमारा ये कांच का शेप के लिए हम यहाँ 3 इंच लेते हैं। हमारा मोहरी 4.5 है तो हम 1.5 प्लस करेंगे सिलाई के लिए, 4.5 में हम 1.5 प्लस करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। फिर इसे हम गोल शेप इस प्रकार करते हैं, हल्का सा गोलाई लेते हुए नीचे की ओर लाएंगे। इसे कट करके निकाल देंगे। चल चुका है। हमारा लंबाई 11 है तो 11 में हम 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर 1/2 इंच सिलाई के लिए और नीचे 1/2 इंच सिलाई जब हम लोग पट्टी लगाते हैं तो उसके लिए। तो 11 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा 12 लेंगे। ये हम पीछे का भाग निकालेंगे। हमारा डीप गला अगर चाहिए जैसे 8 इंच चाहिए तो हम 8 पे निशान दे देंगे और ये हम 2 की जगह हम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जब डीप गला लेते हैं तो हमारा कंधा से उतरे नहीं, इसलिए हम 1.5 इंच पे निशान देंगे। और ये हमारा 3.5 लेंगे कंधा तो सिलाई करके हमारा 2.5 इंच पे आ जाएगा। अब यहां से हम कांख के लिए हम 5.5 लेते हैं, ये हम 28 साइज का बना रहे हैं तो 28 में हम अभी हम आपको समझाया 7 आता है, 4 से हम लोग भागा देते हैं 28 को तो 7 आएगा, उसमें 2.5 इंच हम सिलाई के लिए प्लस करते हैं तो हम 9.5 लेंगे। नीचे उसी प्रकार हम 7 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हम 9 लेंगे। इसमें इस प्रकार यहां मैं कांच के शेप के लिए मैं 1.5 इंच लूंगी और इसे गोलाई से देते हुए इस प्रकार निकाल देंगे। इसे मैं इस प्रकार कट करूंगी। ये हम लंबाई 13.5 इसमें लेते हैं, 28 साइज का है इसीलिए नीचे हमारा पट्टी भी निकल जाएगा। तो इसमें हम पहले ड्राइंग करने के लिए हम टेकन के लिए 1.5 इंच हम ये कपड़े को हटा देते हैं तब हम ड्राइंग करेंगे। यहाँ से हम गला फिर 2 इंच लेंगे, ये कंधा हम 3.5 पे निशान डालेंगे, ये गला हम 5.5 पे डालेंगे, 5.5 से अधिक ना डालेंगे नहीं तो हमारा गला सामने की ओर नीचे उतर जाएगा। ये उसी प्रकार हम 7 में
ढाई इंच प्लस करेंगे, सिलाई के लिए हम 9.5 लेंगे। यहां से हम 28 का बना रहे हैं, 8.5 टेकन के लिए लेंगे, 28 में 8.5 लेंगे और हम 32 और 34 में हम 9 लेते हैं टेकन के लिए। इसके नीचे हम 2 लेंगे, 2 इंच लेंगे, फिर यहां से यहां हम 7 में 2 प्लस करेंगे, 10 7 में 2 प्लस करेंगे, हम यहां 10 ले लेंगे, 7 में 2 प्लस किए तो 9 लिए। ये हम पीछे जब हम आपको बताए तो ये हम कांख के लिए हम 1.5 इंच लिए थे, यहाँ 1 इंच लेते हैं, 1/2 इंच कम लेते हैं। यहां से यहां हम इसे इस प्रकार मिला देंगे, ये हम टेकन के लिए 2.5 इंच लेते हैं, यहां भी 2.5 इंच लेते हैं, नीचे हम 1 इंच लेके इसे इस प्रकार सीधा मिला करके ये हमारा ये स्लाइड ये लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ टच करते हुए इसे इस प्रकार मिला देंगे। ये हमारा गला है 5.5 पे, यहाँ इस प्रकार इसे मिलाएंगे। इधर हम पीछे की तरफ इधर भी हम जब यहाँ हम टेकन डालते हैं तो यहाँ 1.5 इंच का और यहाँ 1.5 इंच का टेकन डालेंगे, इसलिए हम मैंने इसे पहले ही 1.5 इंच इधर बाहर कर चुकी हूँ। अब इधर मैं कांख तरफ भी इधर 1.5 इंच का डालूंगी ताकि जब हम यहाँ 1.5 इंच का टेकन डालें तो हमारा मेकअप आ जाए, मेकअप हो जाए। इसे भी लाइन के ऊपर मैं टच करते हुए यहाँ मिला दूंगी, ये हमारा यहाँ यहाँ कांख में मिल जाएगा, ये हमारा नीचे तक टी निकल जाएगा। ये हर साइज में हम 13.5 लेते हैं, जो भी साइज बनाएंगे उसकी लंबाई इसी प्रकार 13.5 लेंगे और जब हम नीचे पट्टी डालेंगे वो अपनी इच्छा अनुसार वो से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसे इस प्रकार मैं कट कर दूंगी। अब यहाँ मैं इस प्रकार यहाँ से लाते हुए सीधा हल्का सा इस प्रकार राउंड कर दूंगी गला। देखिए हमारा ये कट हो चुका है, इस प्रकार यहाँ जो हम नीचे यहाँ हमारा 1.5 इंच का टेकन होना चाहिए। अब मैं नीचे की पट्टी इस कपड़े से निकालूंगी, मैं पीछे का काट चुकी हूँ, इसे मैं इस प्रकार यहाँ इसे यहाँ इस प्रकार रखूंगी ताकि हमारा पता चले हमारा ठीक कट हुआ है कि नहीं। इस प्रकार जब हम यहाँ टेकन डालेंगे अब नीचे की पट्टी हम कट करेंगे इसकी लंबाई अनुसार, ये हमारा 9.5 है, साढ़े नौ लिए। यहाँ से हम 3.5 लेंगे, यहाँ 3 लेके सीधा मिला के इसे इस प्रकार हल्का सा गोल से कर देंगे। देखिए हम सिलाई करेंगे तो इसकी पीछे की लंबाई के अनुसार हमारा मेकअप हो जाएगा।